में बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, मुतहिदा नान बाय रोटी एसोसिएशन की आज शहर में शटर डाउन हड़ताल के हवाले से, आज शहर में तंदूर बंद कर दिए गए हैं। तंदूर बंद होने की वजह से शहरियों को दुश्वारी का सामना है। हड़ताल के बायस परदेसी भी रोटी से महरूम हो गए, तो आज मुतहिदा नान बाई रोटी एसोसिएशन की जानिब से शहर भर में शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। आज शहर में सारे तंदूर बंद कर दिए गए हैं और तंदूर बंद होने की वजह से शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के बायस जो परदेसी लाहौर में मौजूद हैं वो भी रोटी से महरूम होकर रह गए हैं। मुतहिदा नान बाई रोटी एसोसिएशन की जानिब से आज शहर में शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। इनके क्या मुतालबात हैं और क्या कोई मुज़ाकरात हो पाए हैं इनके, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे। जी शहजाद। हाँ जी बिल्कुल, आज मुतहदा नान भाई एसोसिएशन की जानत से शहर में शटर डाउन हड़ताल की गई है और आज उनकी जानत से ये दावा किया गया है कि पूरे लाहौर के अंदर जो तंदूर हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त हम गौसल आज़म बाज़ार गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे भी मेरे अकब में आप देख रहे होंगे एक तंदूर का शटर जो है वो डाउन है और आज एहतजाजी तौर पर मुतहदा नान भाई एसोसिएशन की जानत से शहर के अंदर हड़ताल की जा रही है और इस हवाले से डीसी लाहौर के सामने, पंजाब हुकूमत के सामने मुतहदा नान भाई एसोसिएशन की जानत से एक मुतालबा रखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो रोटी है वो 15 रुपये की और नान 20 रुपये करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जब तक ज़िला इंतज़ामिया ऐसा नहीं करती तब तक जो है वो मुतहदा नान भाई एसोसिएशन हड़ताल का सिलसिला जारी रखेगी। इस हवाले से मुतहदा नान भाई एसोसिएशन के सदर आफ्ताब गिल ये कहते हैं कि चूँकि फाइन आटा और इसके अलावा बिजली गैस और मुलाजमीन की तनख्वाहों में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है, इसलिए अब रोटी और नान की कीमतों में इजाफा नागुजीर है क्योंकि अगर वो इजाफा नहीं करते तो वो डेली के जो अखराजात हैं उसको मीट नहीं कर पाते, जिसके बायस उनके लिए तंदूरों का बिजनेस चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं, मिनिमम जो वेजेज है वो 25,000 रुपये कर दी गई है और इसके अलावा जो दीगर अखराजात हैं वो इसके अलावा है, इसलिए मुतहदा नान भाई एसोसिएशन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो रोटी है वो 15 की और नान 20 रुपये करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर ज़िला इंतज़ामिया ऐसा नहीं करती तो नान जो तंदूर हैं वो बंद रखे जाएंगे और किसी सूरत उनको नहीं खोला जाएगा। और डीसी लाहौर के ऑफिस में आज मुतहदा नान भाई एसोसिएशन एक एहतजाज भी करने जा रही है। ठीक है, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुतहदा नान भाई रोटी एसोसिएशन की आज शहर भर में शटर डाउन हड़ताल जारी है और नान भाई एसोसिएशन का मुतालबा है कि महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए हमारा भी ख्याल किया जाए। नान भाई एसोसिएशन का हड़ताल जब तक मुतालबात पूरे ना हुए जारी रखने का ऐलान है। मायदा वहीद हमारे साथ हैं, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी मायदा। जी बिल्कुल, इस टाइम डीसी ऑफिस के बाहर में यहाँ पर जो है नान भाई एसोसिएशन की जानिब से जो है वो शटर डाउन हड़ताल का जो है वो एहतमाम किया गया। मेरे साथ असलम गिल साहब मौजूद है। सर मुझे बताइएगा ये हड़ताल कितने दिन तक जारी रहेगी और हुकूमत से क्या मुतालबात है आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, आप इतनी गर्मी में हमारी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। मसला पता क्या है जी, पिछले 2 माह से जो हमारे साथ जुल्म व सितम हो रहा है उसमें यह है कि फ़ाइन की कीमत को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। फ़ाइन की कीमत 4,900 रुपये थी जब हमें 15 रुपये का रेट मिला था, 5,900 रुपये रेट हुआ तो 18 रुपये का रेट मिल गया। अब मुझे ये बताएं कि 7,700 रुपये तक बोरी जा चुकी है और हमें कहा जा रहा है जी कि आप नान 15 रुपये का बेचें और रोटी की कीमत भी नहीं बढ़ाई जा रही। हाँ, सियासी नारा ज़रूर लगा है कि जी हमने आटा सस्ता दिया है, लेकिन वो आटा तंदूर वाले के लिए नहीं है, तंदूर वाले को वो आटा नहीं मिलता। अगर आप हमें आटा नहीं देते तो हमें उस हिसाब से रेट दिया जाए ताकि हम भी अपने बच्चों का पेट पाल सकें। जो हड़ताल आज आपने की है ये कितने दिन तक जो है वो जारी रहेगी? ये गैर मुइना मुद्दत के लिए हड़ताल है जी, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। अभी हमारी एडीसी जी साहब से मुलाकात हुई है, मुज्तबा खान साहब से, उन्होंने हमें 1 बजे तक का टाइम दिया है। उन्होंने कहा जी हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग है, 1 बजे हमें भी बुलाया है, हमारी नुमाइंदगी है उसमें, 1 बजे वो कह रहे हैं हम आपको रेट दे देंगे। और अगर वो हमें रेट दे देते हैं तो ठीक है, वरना हम तो कश्तियाँ जला के आए हैं, हम यहाँ से जाने वाले नहीं।
बजे तक का इनको टाइम दिया गया है और 1 बजे तक ही इंतजार करेंगे और इनसे ये भी कहा गया है कि इनके रेट जो है वो कम किए जाएंगे। 1 बजे तक का इंतजार करें, वरना इनका कहना है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए हैं तो हमारी हड़ताल इसी तरह से जब तक मुतालबात पूरे नहीं किए जाते इसी तरह ये एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया मायदा भी हमें अपडेट कर रही थी। अभी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला थम नहीं पा रहा, रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 3.01 रुपये महंगा हुआ है। डॉलर पहली बार 225 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। तो डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है, रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर गिर चुका है। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सईद जी बिल्कुल निदा, इंटर बैंक में डॉलर की जो ट्रेडिंग का सिलसिला जारी है, आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज है और पुराने ट्रेडिंग इंटर बैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान और रुपए की कम सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त इंटर बैंक में डॉलर है वो 2.76 रुपये महंगा होने के बाद 224.75 रुपये की बुलंद सतह पर है वो ट्रेड किया जा रहा है और सिर्फ 3 रोज में निफ्टी डॉलर जो है वो 13.80 रुपये तक है वो महंगा हो चुका है और नई हुकूमत आने के बाद अब तक निफ्टी डॉलर जो है वो 42.73 रुपये है वो महंगा हो चुका है। और माशी माहरीन के मुताबिक 12 अप्रैल 2022 को इंटर बैंक में डॉलर की कदर थी वो 182 रुपये थी, लेकिन 3 माह में और 12 रोज में निफ्टी डॉलर जो है वो 23% है वो महंगा हो चुका है। वजह यही बताई जा रही है कि मुल्क के अंदर मौजूद सियासी अदल इकाम और इंटर बैंक में और स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व्स हैं उसकी कमी और तलब में इजाफे की वजह से डॉलर है वो बेकाबू हो चुका है और आम मार्केट में ओपन मार्केट में डॉलर की जो ट्रेडिंग है वो बिल्कुल नहीं हो पा रही क्योंकि रसद है वो बहुत कम है जबकि तलब ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से आज भी डॉलर जो है वो 2.76 रुपये महंगा होने के बाद मुल्की तारीख की बुलंद तरीन जो सतह है इंटर बैंक में वो 224.75 रुपये पर ट्रेड है वो किया जा रहा है। और माशी माहरीन के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे ने भी जो रुपए के ऊपर दबाव है वो बढ़ाया हुआ है और दरामदी बिल की अदायगी पर रुपए पर शदीद प्रेशर है वो देखने में नजर आ रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा सईद अहमद। सईद हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पीआर फहीम सहगल ने, उनका रुख करेंगे। फहीम सहगल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बताइएगा कि डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला थम नहीं पा रहा है, किस तरह से ये जो डिवैल्यूइंग है हमारी करेंसी की हर चीज पर असरअंदाज होगी? जी देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जैसे ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में आई है, आप यकीन करें डॉलर 180 रुपए से अब तक जो आज की रिपोर्ट है मार्केट में सेंट्रल बैंक में 228 रुपये पहुंच चुका है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो तो अपनी जगह एरेगा। एक अहमियत आपको पता है कि ये डॉलर की वजह से आपके जो इम्पोर्ट बिल पे असर पड़ता है, फिर आपकी ऑयल प्राइस और ऑयल बिल जो है उस पर असर नाज होता है, आपकी जो सारी जो है ना आपके हर मटीरियल जो है वो इम्पोर्ट देश है वो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट इंडस्ट्री की बढ़ेगी और उस बढ़ने की वजह से ये इसका जो मेन मुतासर है वो आम साहिब है। ऑलरेडी दुनिया में महंगाई काफी इन्फ्लेशन बढ़ी है लेकिन इस वजह से ये काफी ज्यादा जो है ना इम्पैक्ट इसका हमारी मुल्क की इकोनॉमी में और इसकी आम सारी लोगों की जिंदगी में इसका बड़ा असर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो गवर्नमेंट इंटरवीन करती हुई नजर नहीं आ रही। सबसे जो हमें जिस बात पे तश्वीर है ये है कि जिस तरह बिजनेस कम्युनिटी परेशान है, आम लोगों को इतराक है कि डॉलर किस तरह तेज रफ्तारी से बढ़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई या स्टेट बैंक कोई इंटरवीन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे मेजर होते हुए नहीं नजर आ रहे जिसकी वजह से जो है इस डॉलर को कंट्रोल करे। या कुछ बयान हमारे हमारे स्टेट मिनिस्टर है मुश्ता इस्माइल साहब, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, ये सारे लोग बिल्कुल खामोश बैठे हैं, इसकी वजह से जो है मुल्क में बहरान की तकलीफ है। हमें चाहिए कि हम मिल बैठे, हमारे जो सच्चे मामलात हैं हम उसको टेबल करके देखें, तो इस पर तो हमारी मुआशी जरूरत हाल है, हम उसको प्रायोरिटी दें। इस मुल्क ये मुल्क रहेगा, इस मुल्क के ये जो है माशी सूरत हाल बेहतर होगी तो आप उसकी हुकूमत कर सकेंगे ना। तो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर माशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एक हो जाना चाहिए। और इसी तरह मैं आपको ये बात जरूर मेंशन करूंगा कि इस दुनिया में इस वक्त पाम ऑयल और दूसरी कम्युनिटी की प्राइस गिर रही है,
वो पीक लेवल पर टच करके नीचे आ रही है, तो इसका ठीक है। फहीम सैगल चेयरमैन पियाफ हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। आप हमें ज्वाइन किया यहाँ पे चेयरमैन पंजाब बिजनेसमैन पैनल ख्वाजा शाहजेब अकरम साहब ने। ख्वाजा शाहजेब अकरम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप बताइएगा इसी सिचुएशन पर आप क्या कहेंगे, ये जो डीवैल्यूइंग है करेंसी की, ये किस तरह से ताजिर बरादरी पे असरअंदाज होगी और क्या इस सिचुएशन से निकलने का हमारे पास, हमारी हुकूमत के पास कोई हल मौजूद है? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो अगर इसको हुकूमत की नाअहली कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। कोई इकदाम पिछले 48 घंटे में 72 घंटे में देखने में नहीं आए, कोई ऐसा पॉजिटिव कलेक्टिव मैयर लिया नहीं गया। रात में मिफ्ता इस्माइल साहब की तकरीर जो थी, मैं समझता हूँ उनका ये कह देना कि जी ये सारी सट्टेबाजी है उनको जेब नहीं देता। फौरी तौर पर ये जो मनी चेंजर्स हैं इनको, इनके साथ जो है वो डॉलर की लेन देन जो है वो गवर्नमेंट को बंद करनी चाहिए, डॉलर सिर्फ बैंक के थ्रू मिलना चाहिए। अगर इसी तरीके से इसको फ्री फॉल आपने होने दिया तो कोई इंडस्ट्री, कोई एक्सपोर्ट, कोई चीज़ भी आपके लिए फिजिबल नहीं रहेगी और मुल्क को आप तेजी से जो है वो श्रीलंका की तरफ लेके जा रहे हैं। बयान दे देना, स्टेटमेंट दे देना और उसमें कहना कि मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आता, ये फाइनेंस मिनिस्टर के कहने वाली बात नहीं है। हुकूमत को अपनी रिट कायम करने की जरूरत है। बैंक्स जो हैं वो जो जिस तरीके से ये कर रहे हैं, एलसी खोल नहीं रहे, मैच्योरिटी नहीं आ रही, इससे और ज्यादा पैनिक सिचुएशन होगी। मुल्क इस टाइम किसी तरह से भी इस चीज का मुतहमल नहीं हो सकता। मेरी अपील है जो जितना फहीमुल रहमान सैगल साहब कह रहे थे, जब तक स्टेक होल्डर के साथ गवर्नमेंट नहीं बैठेगी इसके लिए फौरी तौर पर इकदाम नहीं करेंगे, बहुत बड़ा बहरान मैं देख रहा हूँ। और ये जिस तरीके से इसको डॉलर को ऊपर लेके जा रहे हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में चीजें ऊपर की तरफ तो जाती हैं, इंटरनेशनल मार्केट में चीजें क्यूमुलेटिव नीचे को गिर रही है। हर हुकूमत को भी मिल बैठ के मुशावरत की जरूरत है अगर कोई हल नहीं निकल रहा तो। ख्वाजा शाहजेब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन पंजाब बिजनेसमैन पैनल, साथ चेयरमैन पियाफ फहीम सहगल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और सईद अहमद सईद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। डॉलर की ऊँची उड़ान का सिलसिला मुसलसल जारी है, इसमें डॉलर 3 रुपये 1 पैसे महंगा हो चुका है और आपको बताएं कि इस वक्त डॉलर पहली बार 225 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। शहर की ताजिर बरादरी और आम आवाम खासे परेशान है। महंगाई में 200% तक इजाफा हुआ है, मजदूर की उजरत सिर्फ चंद रुपए बढ़ाई गई है। पंजाब हुकूमत ने डेली वेजेस के लिए नए मुआवजे मुकर्रर कर दिए हैं, जबकि गैर तजुर्बाकार डेली वेजेस काफी घंटा 120.67 रुपए मुआवजा मुकर्रर किया गया है और सेमी तजुर्बाकार डेली वेजर्स का फी घंटा मुआवजा 121.63 रुपए मुकर्रर किया गया है। तजुर्बाकार डेली वेजर्स को फी घंटा 123.81 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मुख्तलिफ कैटेगरीज के डेली वेजर्स के लिए एक दिन का मुआवजा 965 से 981 रुपए होगा। महकमा खजाना पंजाब ने नए मुआवजों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन का इतलाक सूबाई महकमों में तैनात डेली वेजर्स पर होगा। महंगाई में 200% तक का इजाफा, मजदूर की उजरत सिर्फ चंद रुपए बढ़ाई गई है। पंजाब हुकूमत ने डेली वेजर्स के लिए नए मुआवजे मुकर्रर किए हैं। गैर तजुर्बाकार डेली वेजर्स का फी घंटा 120.67 रुपए मुआवजा मुकर्रर किया गया है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, इस तमाम तर मामले पर मजीद बात उनसे करेंगे। जी अली रामे, बिल्कुल, डेली वेजेस के हवाले से महकमा खजाना पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें मुख्तलिफ पंजाब के जो सूबाई इदारे हैं वहाँ पर डेली वेजेस के तौर पर लोगों को भर्ती किया जाता है। उसमें स्किल्ड लोग भी होते हैं, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन भी होते हैं। अब इनमें इनके नए जो लोग नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें नई उजरत के हवाले से, मुआवजों के हवाले से बाकायदा दारों को आगाह किया गया है कि आइंदा नए माली साल का आगाज हो चुका है, 1 जुलाई 2022 से उनका जो फी घंटा की उजरत होगी वो 120 से 125 रुपए इजाफे के साथ जो है उनको दी जाए। अब इसमें क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बजट में ऐलान किया था कि मजदूर की उजरत जो है वो 25,000 का महाना कर दी गई है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए पंजाब के मुख्तलिफ महकमों में तैनात डेली वेजेस उनकी उनके जो मुआवजे हैं रोजाना की बुनियाद पर उनमें भी इजाफा किया गया। अब इनको क्योंकि हफ्ते बाद या महीने बाद ये रकम दी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जो मुलाजमीन है उनका ये कहना है कि महंगाई में तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 200% इजाफा किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपडेट कर रहे थे।
बात कर लेते हैं शहर लाहौर के मौसम की, तो शहर में काली घटाएं छा गई हैं, ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, मौसम खासा खुशगवार हो गया है। मॉडल टाउन फिरोजपुर रोड पर रिमझिम का भी आगाज हो चुका है। कोमल असलम हमारे साथ है, उनसे जानेंगे शहर में मौसम कैसा है। कोमल बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात करूं तो काली घटाएं जो है वो छा गई हैं, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, मौसम खुशगवार है। सूरज बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला भी जारी है। कभी बादल जो है वो आसमान पर अपना राज जमाते हैं तो कभी सूरज मियाँ जो है वो बादलों को परे करते हैं और खुद जो है वो अपना राज करते हुए नजर आते हैं। इस वक्त मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार है। हवाएं फिर वक्त थमी हुई हैं लेकिन हब जो है वो उसमें कमी देखने में आ रही है और गर्मी का जोर जो है वो तो चखासा टूट चुका है। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करूँ तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और माहरीन की जानिब से शहरियों को ये अच्छी खबर सुनाई गई है कि शहर लाहौर में जो है वो तेज़ हवाओं के साथ शहर लाहौर में मानसून का तीसरा स्पेल दाखिल होने जा रहा है जो कि गरज चमक के साथ खूब बारिशें बरसाएगा और आज भी बारिश के हवाले से जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसके बाद मौसम मजीद बेहतर होगा और गर्मी की शिद्दत में मजीद कमी भी देखने में आएगी। दर्जा हरारत भी मजीद ड्रॉप आउट होगा और आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 24 रहेगा जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 34 डिग्री तक जाएगा। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि माहरीन ने शहरियों को अच्छी खबर तो सुनाई है, वहीं दूसरी जानी माहरीन जो है वो शहरियों को इस बात की भी ताकीद कर रहे हैं कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, क्योंकि जूँ ही बारिश बरसती है तो शहरी जो है वो उस मौसम को इंजॉय तो करते हैं, बारिश को इंजॉय तो करते हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि उनको अपनी एहतियात को भी यकीनी बनाना है। और महकमों को भी जो है वो भी अलर्ट कर दिया गया है कि ऐसे इलाके जो कि ज़ेरे आब आ सकते हैं वहाँ पर पानी की निकासी को भी यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी जो है मौसम को इंजॉय तो करें, वहीं दूसरी जानब जो है वो इसको अब्रे रहमत ही समझे, उनके लिए जहमत का बाइस जो है वो बारिश ना बने। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि माहरीन जो है वो काफ़ी अरसे से शहरियों को इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि मानसून की बारिशें इस दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा बरसने वाली हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह भी साबित हो सकती है जहाँ पर एहतियात ना बरती गई हो। ख़ास तौर पर जो है वो काश्तकारों को भी इस बात की ताकीद की गई है कि किसानों को भी इस बात की ताकीद की गई है कि काश्तकारी करें, लेकिन इस बात का भी खास ख्याल रखें कि मानसून का जो स्पेल है वो शहर में बरसने वाला है, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो है वो काश्तकारी की जाए और आबेबाशी की जाए। और मौसम चूंकि अभी ज़्यादा खुशगवार है तो शहरी इस मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर का रुख भी करेंगे, कुछ ने तो कर भी लिया है। कुछ हमारे साथ मौजूद थी, मौसम का हवाल बता कोमल, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर तो पीटीआई काफी के अराकीन असेंबली गुलबर्ग एक्सप्रेस अवारी होटल पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अपोजिशन अराकीन असेंबली को 22 जुलाई तक होटल में मुकीम रहने की हिदायत की गई है, जबकि 22 जुलाई को अराकीन असेंबली काफले की सूरत में पंजाब असेंबली पहुंचेंगे। फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी फसीउल्लाह, आगाह कीजिएगा। अजय बिल्कुल, 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब है और इस हवाले से तमाम जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से अपने अराकीन असम्बली को लाहौर में मुकीम रहने की हिदायत की गई है। अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की, इनकी जानिब से भी गुलबर्ग एक्सप्रेस सवारी होटल में बुकिंग करवाई गई है और यहाँ पर 70 से जायद अराकीन पंजाब असम्बली पहुँच चुके हैं और अभी भी उनकी आमद का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के कायदीन की जानिब से तमाम MPS को हिदायत जारी की गई थी कि वो तमाम लाहौर में मुकीम रहेंगे और 22 जुलाई तक, जब तक वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब नहीं हो जाता, उनको 22 जुलाई तक जो है वो एक्सप्रेस सवारी होटल में मुकीम रहने की हिदायत की गई है और आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आज जब पंजाब असम्बली का इजलास होगा वो यहीं से रवाना होंगे और जिस दिन वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा 22 जुलाई को, उस दिन यहाँ से ये काफले की सूरत में रवाना होंगे। सुबह से इनकी आमद का सिलसिला जारी है और अभी भी 70 से ज्यादा जो है वो MPS मौजूद हैं इस वक्त अवारी एक्सप्रेस होटल गुलबर्ग में और अब से कुछ देर बाद ये तमाम MPS चूंकि आज पंजाब असम्बली का इजलास है तो वहाँ के लिए रवाना होंगे और उसके बाद दोबारा यहीं पर आकर रहेंगे। और इसी हवाले से कायदीन की जानिब से इनको हिदायतनामा जारी किया गया था कि जब तक इंतखाब नहीं हो जाता ये अवारी एक्सप्रेस होटल में ही मुकीम रहेंगे और यहीं पर जो मीटिंग्स होंगी, जो पार्लिमानी इजलास होंगे वो गुलबर्ग अवारी एक्सप्रेस होटल में ही होंगे, इनके कायदीन भी यहीं पर आकर मिलेंगे। और पंजाब भर से जो अराकीन असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के, उनकी आमद का सिलसिला इस वक्त जारी देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह, हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ और पुलिस पर तशद्दुद का केस है। PTI के 13 रहनुमा अबूरी जमानतों के लिए अदालत पेश हुए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल पेश। इसी तरह डॉक्टर मुराद राज समेत दीगर PTI रहनुमा भी अदालत पेश हुए। PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 5 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। अभी तक कुछ रहनुमा शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं, तफ्तीशी अफसर ने यह बयान दिया है, जबकि अदालत ने तमाम रहनुमाओं को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म जारी किया है।
शहर में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया जा सका। लेस्को की डिमांड 4500 मेगावाट फराहमी 4100 मेगावाट होने लगी है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे शहर भर में इस वक्त लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। बताएगा शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, शहर में बिजली की लोड शेडिंग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका, जिसकी वजह से सार्फीन को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जरा ने यह बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड 4500 मेगावाट है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फ्राहमी 4100 मेगावाट की गई है। इस तरह सिस्टम पर 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। जो शेड्यूल बनाया गया है उसके मुताबिक शहरी इलाकों में 4 घंटे, जबकि हाई लाइन लॉसेज वाले इलाके या मजफात और दही जो इलाके हैं यहाँ पर 6 घंटे की लोड शेडिंग भी हो रही है। तहम ज़राए की जानिब से मज़ीद ये भी बताया गया है कि कोटा तो फ्राहम कर दिया गया है, लेकिन लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का जो सिस्टम है वो ओवरलोड है और बाद इलाकों में ट्रांसफार्मर डैमेज होने की वजह से घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर सार्फीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब अगर 11 kV फीडर्स की बात की जाए तो वो भी मुसलसल ओवरलोड हो रहे हैं और बार बार सिस्टम पर ट्रिपिंग की वजह से सार्फीन की कीमती अशिया जलने के वाकयात भी रूनुमा हो रहे हैं। शहर के बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यह भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि 15 से 20 घंटे, जबकि बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 25 से 30 घंटे का वक्त गुजर चुका है, उसके बावजूद जलने वाला। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। धोखा दही का अनोखा केस, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जावेद इकबाल की अदालत में अनोखे केस की समाप्त हुई। ये केस क्या था, इस हवाले से जान लेते हैं शाहिन अतीक से। जी शाहिन अतीक। जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट जावेद इकबाल की अदालत में एक अनोखा केस जो है वो यहाँ पर पेश हुआ है। एक सुसर जिसने अपनी बेटी के जहेज के लिए 5 लाख रुपए का चेक शादी के मौके पर दामाद को दिया, वो चेक जो है वो कैश ना हो सका। कि मेरे पास यहाँ पर हसीब कदूसी एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे हम इस सवाल से बात करते हैं। हसीब साहब, ये क्या अनोखा केस है कि सुसर ने सुसर के खिलाफ दामाद ने पर्चा दर्ज करवा दिया, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इसमें हुआ ये जनाब अली की शादी जो थी, रियाज की बेटी की शादी तय हुई उसके जानने वालों में, उन्होंने कहा हम समान जहेज उसके लिए आप हमें 5 लाख रुपए देने, वो खुद ले लेंगे, तो आप जो हैं बेटी को सिर्फ रुख्सत कर दे, बाकी हम अपने मकान के हिसाब से कमरे के हिसाब से एडजस्ट करके चीज़ें खरीद लेंगे। सुसर ने चेक दिया 5 लाख का, जिसके बाद चेक के बाद उसने कहा कि जी चेक रहते हैं मुझे 5 लाख कैश दे दें, क्योंकि मैं शाम को बढ़ाता था तो मैं ये सारे क्लियर कर लूँ। उन्होंने 5 लाख का कैश जो है वो वापस दे दिया, लेकिन हुआ ये कि उस लड़के ने इखलाक इकदार का उसका ये आलम था कि उसने उसकी बेटी को ना सिर्फ 6 माह बाद तलाक दे दी, बल्कि वो जो चेक उसने अपने पास रखा हुआ था संभाल का, उसके ऊपर एक जाली पर्चा करा के इनको जनाब अदालतों में घसीटना शुरू कर दी नफसाला के साथ। अब उसकी कब तक जमानत हुई है इसकी? अब इसकी जो है 31 तारीख तक के लिए जमानत इसकी जज साहब ने ली है और बाकी गवाहान को तलब कर लिया उन्होंने सारे बहस। जी आपने हसीब को दूसरी एडवोकेट है, उनका जो मौका उनका कहना ये है। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, आप देखते रहिए 3:42।